किस तरह के लोगों को मिलेगा ये और क्या रेट वगैरह रहेगी इसकी, कितना स्टॉक रहेगा जरा थोड़ा विस्तार से? देखिए इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे जनपद फिरोजाबाद है उसमें चूड़ी जुड़ाई के जो कारखाने होते हैं उसमें मिट्टी का तेल का प्रयोग होता है, लेकिन पहले क्योंकि नीले मिट्टी का तेल की कालाबाजारी का उसमें आशंका रहती थी तो फिरोजाबाद में अब सफ़ेद मिट्टी का तेल का आवंटन हो गया है और ये सभी मिट्टी का तेल जो है सभी कारखाने वालों के लिए चूड़ी जुड़ा श्रमिकों के लिए फ्री सेल पर कमर्शियल रेट्स में उपलब्ध होगा और कम इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा कि किसी भी तरह के राशन के मिट्टी के तेल की कालाबाजारी नहीं होगी और साथ साथ जो हमारे कारखाने हैं उनकी भी समस्याओं का आज यहाँ पर निराकरण हो गया है। आज एक यहाँ पर कार्यक्रम भी रखा गया था जो सेंक्शन यहाँ पर आई थी, 12,000 KL का एक 12,000 लीटर का यहाँ पर टैंकर भी आ गया है और सभी उपभोक्ता सभी कमर्शियल जुड़ी जुड़ा श्रमिकों के लिए सबके लिए ये फ्री सेल पे आज यहाँ पर सब लोगों के लिए तेल उपलब्ध हो जाएगा। इसकी कोई मात्रा भी है, कितनी मात्रा में? नहीं अभी कोई इसकी कोई लिमिट नहीं है, इंडियन ऑयल से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी किसी इस पर कोई लिमिट नहीं है, जितनी आवश्यकता होगी उतनी डिमांड के आधार पर उतना तेल यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए ये वाणिज्यिक दरों पर उपलब्ध होने वाला फ्री सेल केरोसिन ऑयल है, इसका रंग सफ़ेद होता है। ये पेट्रोलियम कंपनियों के माध्यम से दो तरह के तेलों का वितरण होता है। ये जो पेट्रोकेमिकल फॉर्म में जब होती हैं तो वाइट रंग का इसका रंग होता है और पीडीएस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज में इसको नीले रंग का कर दिया गया था जिससे इसकी पहचान हो सके कि ये मिट्टी का तेल राशन का है। यहाँ क्या उपयोग करेंगे? यहाँ पर इसकी चूड़ी जुड़ाई के लगभग 3-4 लाख मजदूर भाई बहन और करीब 100 से लेकर 200 कारखाने, जो चूड़ी का सबसे बड़ा काम है कि उसको कारखाने के बाद बनने के बाद घर घर में जो चूड़ी जुड़ती है उसमें मिट्टी का तेल ही लगता है, तो मिट्टी का तेल चूँकि फ्री सेल यहाँ उपलब्ध नहीं था तो वो काला बाजार से लेना पड़ता था, तो अब यहाँ पर चाहे कोई कितनी भी संख्या में कितनी भी मात्रा में वो मिट्टी का तेल ले वो उपलब्ध रहेगा। किस तरह का तेल है और क्या इसकी जरूरत पड़ी है? ये सफ़ेद रंग का तेल आया है जो फ्री सेल मिलेगा मजदूरों को। अब तक तो जो नीला तेल था राशन के काला बाजार से मिलता था, इससे चूड़ी जुड़ाई मजदूर बहुत परेशान था। सच्ची जो तेल मिलना चाहिए हकीकत में वो कारखानदारों द्वारा मजदूरों की पर्ची द्वारा जो अब तक देते थे उसी तरह यहाँ पर्ची आए और मजदूर को वो तेल भरा जाए। हाँ, मजदूरों की समस्या का बहुत अच्छा समाधान हुआ है, मगर अच्छा समाधान तभी मानूंगा जब मजदूर कारखानेदार मजदूरों को तेल दे जो उन्होंने लिखित में दिया है समझौते में कि 14 तोड़ों पर 1 लीटर मिट्टी का तेल देंगे, इस तरह से वो तेल दें। नहीं फ्री और कॉस्ट तो मिलेगा मगर हमारे मजदूरों को नहीं खरीदना पड़ा यहाँ से तेल, वो जिसकी कारखानदार से मिलना चाहिए। मजदूर नहीं यहाँ से खरीदे, वो कारखानदार अपनी पर्ची बना के दें, नगद करें कैसे करें वो उनकी जिम्मेदारी है।